बिजली विभाग और अधिकारियों की लापरवाही विभाग के कर्मचारियों के लिए ही जानलेवा बन गई है। ताज़ा मामला जिले के जदिया खथाना अंतर्गत हीरापट्टी वार्ड नंबर 12 पंचायत कोरिया पट्टी पूर्व निवासी अरमेंद्र कुमार उम्र करीब 23 वर्ष जो ट्रांसफार्मर पर लाइन ठीक करने के लिए चढ़ा था, उसी क्रम में अचानक लाइन आ गई और लाइन लगने के बाद खंभे से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद अमरेंद्र कुमार की कमर की हड्डी टूट गई, जिसके बाद इलाज कराने के क्रम में उसकी मौत हो गई। पीड़िता ने मौत के कारण अभियंता विकास कुमार साहू एवं सहायक विद्युत अभियंता मोहम्मद रिजवान को बताया है। इलाज कराने में कुछ पैसा दे देता तो मेरा बेटा आज दुनिया में रह जाता, लेकिन उसकी कोई सुध नहीं ली गई। की नाम मिलांगे और जी जे मरले उठके छी घर कते है केना मिले घटना जैसे आप मंगल के ठीक करे ला हाँ कल के से लाइन काट दिए चढ़े छी। क्या तारीख के बात छी? 9 तारीख के। ओ तो कत्ते ट्रांसफार्मर पर से गिरले कोन गांव में? नारी। ओ नारी में ट्रांसफार्मर पर से लाइन नहीं काट लगे रही? कल के जैसे आपसे लाइन कट दिया है चढ़ो तो अच्छा वो चढ़ले जैनी पिलास लगबे छे तहनी वगरा लाइन। अच्छा तब केना भेल? से गिर गेले। तब केना भेल? फिर गिर गेले त यते जे छे से भतीजा एकटा और छे हमर ई फोन कर लिए कर लके त ओता से रिपोर्ट देलके कि फलना जे छे से अवरेंद्र कुमार गिर गेले पिलर पर से आबि रहल छी ओ वन। तब सबटा पब्लिक सब ओकरा बुझि कऽ लावलकै कोरिया पर। तो फिर कत लग ओकर बाद कोरियापट्टी में दवाई तवाई दिल के तुरंत सहरसा निकल गए। सहरसा में तीन लोग तब ओत से पटना रख पटना वाला डॉक्टर की कहा? पटना वाला डॉक्टर दवाई चलेलकै ओकर बाद लॉकडाउन लागे के चलते से वो पटना से निकाल दिलकै कल के सप्ताह रोज के बाद आइए। तो फिर बिजली विभाग के इंजीनियर SDO साहब कोई ना कुछ ना मदद तो कर लगे सुनी चाहिए इलाज में कुछ नहीं मदद कर लगे। हाँ की कहना है बिजली विभाग के गलती के कारण बदल लिया भतीजा तब जान के कर लगे जब लाइन काट देती है तेना नहीं है तो रहते मरले है। अभी 12 बजे से अभी तक कोई विभाग के लोग नहीं आए ना कोई नहीं ले तो हाँ की पोस्टमार्टम करे चाहे छे केस करे चाहे छे केस करबे ना तब। अच्छा ओकरा बच्चा आर छे? एगो लड़का छे। कते दिन के? 2 साल के।